watching RNG Academy. I'm here with top 30 phrasal verbs used in daily conversation. English speaking, we use it. Okay, so we'll see top 30 phrasal verbs. और ये बोर्ड एग्जाम में, साथ में TGT, PGT में और ढेर सारे सिंगल एग्जाम में आता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देखिए. एक बार आपको अगर मेमोराइज ना हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं. पहला मैंने वर्ड लिया है गेट से. गेट एक वर्ब है और गेट से बने जितने फ्रेजल वर्ब से शुरुआत में लिया हुआ है. जैसे गेटअप. गेटअप मतलब राइज या उठना. आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये हम ऑलरेडी चर्चा इसमें दो चार कर चुके हैं लेकिन फिर भी हमने इंक्लूड किया है. अगला है गेट बैक. गेट बैक मीन्स अचीव, प्राप्त करना, अटेन. आई हैव गॉट बैक माई डिग्निटी. मैं अपनी डिग्निटी वापस पा चुका हूं. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गेट बैक मतलब होता है प्राप्त करना, टू अचीव. नेक्स्ट इज गेट ऑफ. गेट ऑफ मीन्स होता है रन अवे, भाग जाना. मीन्स द रॉबर टुक द थिंग एंड गॉट ऑफ. मतलब चोर जो था उसने उठाया और भाग गया. भाग जाना, गेट ऑफ. ऑफ तो दूर जाने के लिए यूज होता ही है, तो गेट ऑफ मीन्स होता है भाग जाना. अगला गेट अबाउट टू लॉटर. हाँ, दिस नॉटी बॉय ऑलवेज गेट्स अबाउट दिस प्लेस. हमेशा यही घूमता रहता है. तो गेट अबाउट मीन्स होता है टू लॉटर, भटकना या यहां इधर उधर घूमना. इस तरह से ये सेंटेंस में यूज भी करना होता है. अगर इसका आप जैसे कोई कभी एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, तो ये वर्ड आएगा, एक आपको उसका मीनिंग लिखना है और साथ में उसको एक सेंटेंस में यूज करना है, इसलिए हम यूज करके बताते जा रहे हैं. अगला है आपका गेट इन टू. गेट इन टू मीन्स इंटर, अंदर आना. मीन्स ऑल ऑफ सडन द सर्वेंट गेट इन टू द रूम, गॉट इन टू द रूम, है ना. अचानक से नौकर जो कमरे के अंदर आया, या कोई और हो सकता है. ऑल ऑफ सडन द प्रिंसिपल गेट इन टू द रूम. तो इस होता है गेट इन टू मतलब इंटर, अंदर आना. अगला देखिए गेट ऑन. ये देखिए बहुत अच्छा वर्ड है ये गेट ऑन. गेट ऑन मीन्स होता है प्रोग्रेस करना, टू प्रोग्रेस. लाइक रामू इज गेटिंग ऑन इन स्टडीज. रामू अपने पढ़ाई में प्रोग्रेस कर रहा है. अगर हम ये बात बोलना चाहें तो हम बोलेंगे रामू इज गेटिंग ऑन इन हिज स्टडीज. गेट ऑन मीन्स होता है टू प्रोग्रेस, उन्नति करना. ठीक है, अच्छा चलिए अगला देख लेते हैं. गेट आउट. गेट आउट मीन्स होता है बाहर जाना. किसी को हम आदेश देते हैं गेट आउट फ्रॉम हियर, यहां से बाहर जाओ. गेट आउट फ्रॉम हियर. अच्छा ये एक नेगेटिव वर्ड है क्योंकि ये एक तरह से थ्रेटनिंग टाइप में लगता है, थोड़ी धमकी टाइप में है. ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं. गेट अलोंग. गेट अलोंग मतलब होता है फ्रेंडली होना, है ना. फ्रेंडली होना, दैट पर्सन इज गेटिंग अलोंग विथ मी. वो व्यक्ति हमारे साथ दोस्ती करना चाह रहा है, हमारे साथ बातचीत कर रहा है, अच्छा अच्छा बात कर रहा है. गेट अलोंग मीन्स होता है टू बी फ्रेंडली, मित्रवत होना, दोस्त बन जाना. बेसिकली देखा जाता है आप किसी से दोस्त बनना चाहते हैं तो उससे बात करते हैं, उससे गेट अलोंग करते हैं. ठीक है, अगला है गेट थ्रू. गेट थ्रू मतलब होता है पास होना या सक्सेस होना. मीन्स दैट पर्सन हैज गॉट थ्रू मास्टर्स डिग्री. वो मास्टर डिग्री पास कर चुका है. इसका मतलब तो कहेंगे हम गेट थ्रू मीन्स होता है पास होना या टू सक्सीड भी कर सकते हैं. आगे है ना गेट डाउन. गेट डाउन मीन्स डिसेंड, उतरना. अब देखिए ही इज गेटिंग डाउन द बस. वो बस से बाहर, गेट ऑफ भी वहां लग जाता है. ही इज गेटिंग डाउन द बस. अगला है गेट रीड ऑफ. बहुत अच्छा वर्ड है, आप जानते हैं छुटकारा पाना, टू बी फ्री फ्रॉम. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ दिस साउंड. मैं इस साउंड से छुटकारा पाना चाहता हूं. तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ. जैसे और किसी भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हो तो आप इस तरह से गेट रीड ऑफ लगा सकते हैं, है ना. अगला है गिफ्ट ऑफ द गैप. ये एक अच्छा फ्रेजल वर्ब. देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है प्रभावशाली ढंग से बोलना. अगर कोई व्यक्ति बहुत वोकल है, अपनी बात को बहुत प्रभावशाली ढंग से कह लेता है,
मोहन इज वेरी क्लेवर, ही ऑलवेज गेट्स ऑफ द गैप, मतलब वो अपनी बात आराम से कह लेता है, बहुत स्मार्टली कह लेता है। अगला देखते हैं, तो इस तरह से हमने गेट के ढेर सारे फ्रेजल वर्ब्स देखे, जिसमें गेट अप, गेट बैक, गेट ऑफ, गेट अबाउट, गेट इनटू, गेट ऑन, गेट आउट, गेट अलोंग, गेट थ्रू, गेट डाउन, गेट रिड ऑफ, गिफ्ट ऑफ द गैप, इतना देखा। अगला है गिव, गिव मतलब देना होता है, लेकिन गिव का गिव के गिव से कितने वर्ड बने हैं हम चर्चा करेंगे। गिव अप मतलब छोड़ देना, टू लीव। आई हैव गिवन अप माई बैड हैबिट, मैंने अपनी बुरी आदत छोड़ दी है, तो गिव अप मतलब होता है छोड़ना। मोहन हैज गिवन अप हिज बैड हैबिट्स। अच्छा, गिव एक वर्ड है, वर्ब है, एक वर्ब है और इसके साथ कुछ प्रेपोजिशन लग जा रहा है और ये बन जाला फ्रेजल वर्ब, इससे कुछ मीनिंग बदल जा रहा है ना। गिव माने देना होता है, लेकिन यहां कुछ और हो रहा है। गिव अप मतलब छोड़ना, टू लीव। अगला है गिव इन, गिव इन मतलब होता है झुक जाना, है ना। रावण डिड नॉट गिव इन बिफोर राम, रावण राम के सामने झुका नहीं, ही लॉस्ट हिज ऑल फैमिली मेंबर्स और वॉरियर्स, बट ही डिड नॉट गिव इन, उसने वो झुका नहीं। तो गिव इन मतलब होता है झुकना, टू येल्ड। आगे देखिए गिव वे, गिव वे मीन्स होता है टूटना या ब्रेक। द शेयर मार्केट इज गिविंग वे, मतलब गिविंग वे, शेयर मार्केट टूट रहा है एंड द प्राइस इज गोइंग डाउन। तो इस तरह से ब्रेक मीन्स टूटना, गिव वे मीन्स टूटना। गिव ओवर, अब देखिए कभी कभी होता है कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, अचानक से वो हार मान लिया, तो इसको हम कहेंगे गिव ओवर, ही गेव ओवर हिज हार्ड वर्क, वो कठिन परिश्रम कर रहा था उसी से छुटका, अचानक से छोड़ दिया। सरेंडर, सरेंडर कर देना, कठिनाई या परेशानी के सामने सरेंडर कर देना, ये हुआ। अगला है गिव अवे, गिव अवे मीन्स होता है बांटना या डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है कि द पीएंस वर गिविंग अवे द स्वीट्स टू द बॉयज, चपरासी लड़कों को मिठाइयां बांट रहे थे, तो क्या बनेगा। गिव अवे मीन्स होता है बांटना या डिस्ट्रीब्यूट करना। आई वॉज गिविंग अवे स्वीट्स टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों को मिठाइयां बांट रहा था, तो आई वॉज गिविंग अवे स्वीट्स टू माई फ्रेंड्स, ये होगा। अगला देखिए गिव आउट, गिव आउट मीन्स होता है टू अनाउंस, घोषित करना। द प्रिंसिपल हैज गिवन आउट द रिजल्ट ऑफ क्लास 9th, प्रिंसिपल ने क्लास 9th का रिजल्ट घोषित कर दिया है। सो गिव आउट में गिवन आउट, गिव आउट, गिवन आउट, गेव आउट, ऐसे बनेगा, घोषित कर दिया, ठीक है। आगे हम देखते हैं गो, अब ये सारे वर्ड जो गो से बने हैं, गो से बने हुए फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं क्या आएगा। जैसे गो बाय, गो बाय होता है गुजरना या व्यतीत होना, गो टू पास, हाँ माई टाइम इज गोइंग बाय, मेरा समय गुजर रहा है, समय पास हो रहा है। अगला है गो ऑफ, गो ऑफ मतलब होता है टू डिस्चार्ज, मतलब होता है कभी कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति जेल से छूट गया या कहीं काम में लगा हुआ है, अचानक से उसकी छुट्टी हो गई, सो गो ऑफ, ही वेंट ऑफ द ड्यूटी, ड्यूटी से वो छूट गया। अगला है गो अवे, गो अवे मतलब चले जाना, प्लीज गो अवे फ्रॉम हियर, हाँ मोहन वेंट अवे फ्रॉम हियर, चला गया, ठीक है। तो गो अवे मतलब होता है चले जाना, हट जाना वहां से। गो बैक ऑन, अरे देखिए अपनी बात से मुकर जाना, कभी कभी होता है ना कि हम कोई प्रॉमिस कर रखा कोई व्यक्ति आपसे और वो अचानक से ही गोज बैक ऑन, गो बैक ऑन, ही गोज बैक ऑन, अचानक से अपनी बात से बैक चला जाता है, मुकर जाता है। सो आई डोंट लाइक द पीपल हु गो बैक ऑन, आई डोंट लाइक द पीपल हु गो बैक ऑन, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता है जो अपनी बात से मुकर जाते हैं। अगला देखिए क्या है, गो इन टू, गो इन टू मीन्स एग्जामिन, टू एग्जामिन। जैसे मैंने प्रिंसिपल से बोला सर प्लीज गो इन टू द मैटर, प्लीज गो इन टू द मैटर, मतलब कृपया इस मैटर को जांच करिए, है ना, टू एग्जामिन। अगला है गो थ्रू,
अच्छा देखिए, इसमें दो दो मीनिंग निकल रहे हैं। एक गो थ्रू मतलब होता है टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना, एक होता है गो थ्रू मतलब होता है पढ़ना। आई एम गोइंग थ्रू अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूं, तो गो थ्रू मीन्स पढ़ना भी होता है और टॉलरेट करना भी, बर्दाश्त करना होता है। एक आप हाउ आर यू गोइंग थ्रू दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो गो थ्रू मीन्स होता है बर्दाश्त करना या सहन करना। अगला है गो इन फॉर, गो इन फॉर मीन्स होता है एडवोकेट, समर्थन करना, किसी की एडवोकेसी करना, किसी को सपोर्ट कर देना। आई डोंट लाइक एनी वन गोइंग थ्रू, मैं किसी को किसी की समर्थन करते ऐसे देख नहीं सकता, मुझे बकवास लगता है। मतलब गो इन फॉर मीन्स होता है समर्थन करना। आई एम नॉट गोइंग इन फॉर हिम, ठीक है, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं। अगला हो गया गो ऑन मतलब है जारी करना, प्लीज गो ऑन, प्लीज कंटिन्यू, डू डू डू, प्लीज कंटिन्यू, गो ऑन प्लीज, गो ऑन जारी रखो। अगला है गो डाउन, गो डाउन मतलब है टू बी रिमेम्बर्ड, याद किया जाना, जैसे किसी बात को याद कर रहे हैं आप, समथिंग इज गोइंग डाउन इन योर माइंड, कुछ अपने माइंड में आ रहा है, गो डाउन मीन्स होता है याद करना, टू रिमेम्बर समथिंग, गो टू गो इन अ रेमिनिसेंस, किसी दिवा स्वप्न में खो जाना। अगला हो गया देखिए गो ओवर, ये देखिए ये तो हमने देखे हैं, गो इन टू और गो ओवर एक ही चीज है, एग्जामिन, टू एग्जामिन, जांच करना, गो ओवर मतलब जांच करना। अगला है गो अहेड मींस टू एडवांस, आगे बढ़ना, इंडियन आर्मी इज गोइंग अहेड, भारतीय सेना आगे बढ़ रही है, सो गो अहेड मींस होता है आगे बढ़ना, टू एडवांस। एंड लास्ट वर्ड है गो फॉर मीन्स टू अटैक, आक्रमण कर देना, वी आर गोइंग फॉर, गो फॉर अटैक करना, वी आर गोइंग फॉर द एनिमी आर्मी, मतलब हम अटैक करने जा रहे हैं एनिमी आर्मी पे। इस तरह से हम देख रहे थे, ये टॉप 30 फ्रेजल वर्ब्स हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को लोगों से शेयर कीजिए। आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार, हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।